नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं कि जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आपको एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आसानी से अपना जीएसटी नंबर ले पाएंगे। सबसे पहले आप जरूरी है इस वेबसाइट पर जाइए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जानना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है ये GST www.gst.gov.in, ये देख सकते हैं आप। इस वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट पे बहुत से साइट मिलेंगे अगर आप गूगल में सर्च करें, लेकिन यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, GST.gov.in। डायरेक्टली आप इस जो है URL बॉक्स में टाइप कीजिए और हिट कीजिए इंटर, आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अब आपको ज़रूरत है यहाँ पे आने का, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे टैक्स पेयर नॉर्मल है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आपको जरूरत है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए। फिर सेलेक्ट कीजिए सारे ऑप्शंस, आप IMA टैक्स पेयर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ते हैं वो। यहाँ आपको लिखना होगा आपका बिजनेस नेम जो कि पैन कार्ड पे मेंशन है हूबहू, और यहाँ पे पैन अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर लिखना है, आपका ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो है वो लिखना है, और ऑफिशियल मोबाइल नंबर बिजनेस का जो है वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पे डालना होगा इस बॉक्स के अंदर और प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड जैसे ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर अभी दिया था और ईमेल एड्रेस दिया था, वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। आप उसी मोबाइल नंबर से वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिए और ईमेल खोल के यहाँ पे डाल लीजिए वन टाइम पासवर्ड ईमेल वाला, और ध्यान रहे 10 मिनट के अंदर हो। उसके बाद प्रोसीड कीजिए, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपको एक टेम्प्रोरी जो है रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, और अब आपको प्रोसीड करना है उसी के अगले पार्ट में 15 दिन के अंदर। ये जरूरी है 15 दिन के अंदर कर लेना है आपको, आप चाहे तो अभी भी कर सकते हो। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। अब आपको यहाँ पे टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और आगे बढ़ना है। टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे हम फिलअप करेंगे, और ये कैप्चा जो है वो डालेंगे 638751 और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड होने के बाद मोबाइल पे या ईमेल पे कोई भी एक OTP जो है वो आया है, आप डाल लीजिए यहाँ पे 02417 और प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे इंटर कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे एक्शन बटन पे, आपके सामने ढेर सारा ऑप्शंस आ जाएगा। ये देखिए, ये सारे डिटेल एक एक करके आपको फिलअप करने हैं, हम आपको बता रहे हैं कैसे फिलअप करना है। सबसे पहला टाइप है बिजनेस डिटेल, उसके अंदर आपका लीगल नेम और पैन नंबर जो है भरा हुआ आएगा, क्योंकि आप भर चुके हैं पहले। यहाँ पे ट्रेड नेम भरना है, जिस नाम से आप व्यवसाय करते हैं, किस तरह का आपका बिजनेस है, आपका प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप में है या फिर पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट, किस तरह का कंपनी है वो यहाँ पर डालना है। और आपका स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है, सेंटर वो डालना है वो शहर। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन का सारा कमिश्नरेट कोड और डिविजनल कोड और रेंज कोड डालना है। आप कैसे, आपको कैसे मालूम चलेगा ये सब, आप पूछ सकते हैं किसी से भी इस चीज़ के बारे में, नेट पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, मिल जाएगा आपकी, आपके डिवीज़न का, आपके सर्कल का ये सारे कोड्स कहाँ पर हैं। उसके बाद ये ऑप्शन जो है डिसेबल रहेगा आपके लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। और आपके पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे, अगर आप कंपोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ही आपको यस कर लेना होगा और ये चेकबॉक्स को क्लिक कर देना होगा, याद रखिएगा। कंपोजिट स्कीम क्या है, हम अपने चैनल पर बताए हुए हैं, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ऑप्ट नहीं करना है कंपोजिट स्कीम के लिए, तो हम छोड़ देते हैं नो करके। क्यों हम रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन कर रहे हैं, बहुत से ऑप्शन होते हैं कि हम जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहे हैं अपने टर्नओवर का, ठीक है,
तो 20 लाख के लिमिट से हम क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, डेथ हो गया प्रोप्राइटर का या फिर मर्जर हुआ, जो भी हुआ, ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो भी आपको आपके हिसाब से लगता है हम क्रॉस कर रहे हैं, मान लिया हमारा बिजनेस जो क्रॉस कर रहे हैं अब थ्रेशोल्ड को जो 20 लाख लिमिट है उसको टर्नओवर को क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, किस डेट से बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए डेट यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का डेट डाल दीजिए और उसके बाद आपके पास यहाँ पे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कागज पत्र अवेलेबल है आपके बिजनेस के रिलेटेड वो सब डालना है। तो ऑलरेडी पहले से आपके पास अगर टिन नंबर है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास सेल्स नंबर है, एक्साइज नंबर है, जो भी है एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप पहले बार में आप टिन नंबर सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है, आपके पास टिन नंबर है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। उसके बाद फिर मान लीजिए आपके पास और भी कुछ है, एक्सपोर्टर लाइसेंस है तो ये डालिए, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और फिर ऐड कर लीजिए। नहीं है तो आप कुछ मत डालिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए और आप सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए। प्रमोटर स्लैश पार्टनर, अगर आपका बिजनेस जो है वो प्रोप्राइटरशिप में है तो आपको अपने यहाँ प्रमोटर का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर का इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करना है। तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे उनका नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आपके जो प्रमोटर या पार्टनर है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गीता सिंह। फादर्स नेम यहाँ पे डालना है उनके, उनके पिता का नाम मोहन सिंह। चलिए डेट ऑफ बर्थ उनका यहाँ पे डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, इसी तरह से ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद मेल हैं फीमेल हैं उनका टेलीफोन नंबर। उसके बाद आपको फिलअप करना है यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन कि क्या है उस कंपनी में, डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजर हैं या फिर जो भी हैं। यहाँ पे उनका डिन नंबर अगर है आपके पास तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे उनका पैन अकाउंट नंबर डालना होगा और आगे फिर आधार नंबर है तो आधार नंबर, फॉरेनर है तो पासपोर्ट नंबर भी डालना है, और यहाँ पे उनका एड्रेस डिटेल डाल देना है सारा। और उसके बाद यहाँ पे उनका फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है या फिर यहाँ पे कैमरे से आप फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं उनका अगर आपके सामने मौजूद है तो। यहाँ पे आप ध्यान देना है आपको, अगर आप चाहते हैं कि उनको इस बिज़नेस के ऑथराइज सिग्नेचरी जो है अगर देना चाहते हैं किसी भी काम के लिए जो कि डॉक्यूमेंट पे मेंशन होगा तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते उनको ऑथराइज सिग्नेचरी उनको बनाना तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का डिटेल देना है जिसे आप अपने बिजनेस का ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं। अगर आप उसे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं उसके बिना कुछ नहीं हो तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे चेकबॉक्स कर दें। अगर नहीं बनाना चाहते उसे प्राइमरी तो उसे छोड़ दीजिए और उस इंसान का यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिए। यहाँ पे नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम उसका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आइडेंटिटी, मैनेजर है कि डायरेक्टर है, जो भी है वहाँ पे उसका डिन नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, घर का एड्रेस, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, और उसके पास तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। अगर वो कोई कंपनी है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग कमेटी के पास का कोई लेटर है तो वो सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए यहाँ से। और उसके बाद नीचे में फोटोग्राफ जो है उनके यहाँ से ले भी सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद अगले टैब में यानी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के टैब में अगर आपके बिजनेस का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए हाँ, नहीं है तो ना रहने दीजिए, अगर है तो आप उसका डिटेल डालना होगा यहाँ पर। अगर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो उसका एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे तो उनका सारा डिटेल ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा, कुछ भरना नहीं पड़ेगा आपको। और अगर कोई दूसरा है जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है अगर वो डालते हैं यहाँ पे तो सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। और अगर नहीं है कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। टैब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस डिटेल का पूरा डिटेल देना है, एड्रेस जहाँ पे है, फ्लोर, प्रीमिसेस, बिल्डिंग नेम, सब कुछ, इस गली पूरा एड्रेस डालना है, पिन कोड, एड्रेस, स्टेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको डालना नेचर ऑफ प्रोफेशन ऑफ प्रीमिसेस,
ठीक है, तो किस तरह से आपने लिया, लीज पे लिया है, आपका है, खुद का है, रेंटेड है, जो है सेलेक्ट करके उसके हिसाब से जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना है आपको JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको उस जगह का आप क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप गोदाम या फिर मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑफिस में, ठीक है, किस तरह का चीज़ वहाँ पे आप करते हैं, तो वो बस कोई एडिशनल दूसरा प्लेस है बिजनेस का जहाँ करते हैं वो यस कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल डाला हुआ, ऐड न्यू पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। और फिर गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरह का बिजनेस देते हैं, गुड्स बेचते हैं सामान या फिर सर्विस देते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टॉप 5 कमोडिटीज का आपको कोड डालना होगा और यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको सीमेंट बेचते हैं तो आप सर्च कर लीजिए, तो सीमेंट का जो कोड है 6810, यहाँ पे हम डालेंगे 6810 6810, तो ये सर्च कर लेगा, आ गया, उस हिसाब से वो ऐड कर लीजिए। इसी तरह से आप और भी चीज़ें 5 आपको डालना है, सेम उसी तरह से सर्विसेज है, अगर आप कुछ होटल वगैरह है तो रेस्टोरेंट है आपका, तो उस तरह से आप जो सर्विस है तो उस तरह का चीज़ जो है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर अगले टाइम में आपको बैंक अकाउंट जो है डालना है आपका, कम से कम 1 और मैक्सिमम आप जितना भी है उतना डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सारा चीज़, आपको आ जाएगा बैंक अकाउंट के बारे में सब डालने के बाद। फिर आपको यहाँ पे आएगा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, अगर आपके पास कोई टैक्स वगैरह पे करने के लिए और एक्स्ट्रा स्टेट का टैक्स पे करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सब अगर है कुछ डिटेल्स आपके पास तो यहाँ पे डालना है वो चीज़। फिर उसके बाद बस वेरिफिकेशन, फाइनली आप अग्री कर लीजिए जो आपने लाइसेंस, यहाँ पे अग्री कर लीजिए डिक्लेरेशन को, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेचर जो आपने फिलअप किया है यहाँ पे, उसका आ जाएगा ऑटोमेटिकली डिटेल, और उसके बाद फिर आप इसे सबमिट विथ ई सिग्नेचर या फिर ये कुछ भी कर लीजिए, EBC सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको अलॉट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका इसी पोर्टल पे, या मेल भी आ जाएगा आपको। और नहीं हुआ कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑफिसर को तो आपको उसके बारे में डिटेल मेल कर दिया जाएगा और आपको फिर उसको रिप्लाई करना होगा, उस चीज़ को पूरा करना होगा, तब जाके आपको आपका जो GST नंबर है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी आपको GST के बारे में कुछ वीडियो समझना है या जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।